में मेहनत करी हुई है, इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगी पर दूसरे फॉर्मेट में मिल जाएगी। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैस। एटमोस्फेरिक गैस तो देखो, हम भी किसी चीज़ को लिक्विफाई दो चीज़ से कर सकते हैं, टेम्परेचर घटा दो, प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। टेम्परेचर घटा दो, प्रेशर बढ़ा, कैसे करते हैं हमने देखा पहले। इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। अब एक चीज आई इवेपोरेशन, क्या है इवेपोरेशन, राइट। तो हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि जनरली आपने अभी देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से या प्रेशर घटाने से, टेम्परेचर और प्रेशर में अगर मैं चेंज करूं तो क्या होता है, स्टेट में चेंज हो जाता है ये, ठीक है। आपने मैंने ये हमने देखा अभी, राइट। अब होता क्या है कि कभी कभार आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपने कपड़े डाले सुखाने, तो कपड़े डाले आपने सुखाने तो वो क्या होते हैं, गीले होते हैं, मतलब उसमें जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में लिक्विड फॉर्म में ही वाटर एग्जिस्ट करता है, तो वाटर जो है उनमें लगा हुआ है। अब क्या है कि तो भी वाटर निकल जाता है, सूख जाते हैं, मतलब क्या है कि हम लोग बोलते पानी उड़ गया, तो पानी उड़ गया तो कैसे हुआ ऐसा। आपने बोला कि सर आप तो ये बोल रहे हो कि हीट हर समय देनी पड़ती है, तो हुआ कैसे कि जो उसका जो पानी है कपड़ों का वो पूरा उड़ गया, है ना। तो एक फिनोमेना और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन। अभी तक बॉइलिंग आपने जो देखा वो होता है बल्क फिनोमेना। मतलब बल्क फिनोमेना मतलब क्या कि ये अगर पूरा लिक्विड रखा है, पूरा लिक्विड अगर रखा है तो बॉइलिंग जो होगा ना वो पूरे के पूरे पे होगा अप्लाई, पूरे के पूरे पे अप्लाई होगा, ठीक है। पर एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन ये सरफेस फिनोमेना है, मतलब लिक्विड अगर रखा है ये उसका सरफेस है, तो यहाँ पे बस एवेपोरेशन अप्लाई होगा। एवेपोरेशन होता क्या है हम लोग अभी देखते हैं, पर एक चीज ध्यान रखना कि ये सरफेस फिनोमेना है, यहाँ पे बस एवेपोरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इस सरफेस के जो पार्टिकल है ना, इन पे पड़ती है धूप, है ना, या इन पे पड़ती है कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थ में हम लोग रहते हैं, पड़ती है धूप, उसको हम लोग बोलते हैं सनलाइट। तो सनलाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है ना। तो होगा क्या कि ये लोग सनलाइट से एनर्जी गेन कर लेंगे और इन लोग उड़ जाएंगे एटमॉस्फेयर, सनलाइट से एनर्जी गेन करके इन लोग उड़ जाएंगे एटमॉस्फेयर। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन, राइट। तो यहाँ पे पड़ेगी इन पे सनलाइट, सनलाइट से इन लोग एनर्जी गेन करेंगे और इन लोग उड़ जाएंगे। बेसिकली करना क्या रहता है उड़ने के लिए, मैंने बताया ना एक ही चीज़ ये पार्टिकल को करनी रहती है, अपने फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने में, वो होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होता है। तो ये तोड़ कैसे लेते हैं, सनलाइट एनर्जी की मदद से। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए पड़ती है, या तो तुम डायरेक्टली हीट दे दो, पर क्या है कि जो नीचे वाले रहते हैं और एवेपोरेशन में जो नीचे वाले रहते हैं इनको तो एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तो इन लोग उड़ नहीं पाते। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना जो कपड़े हैं फैला के डाल दो, तो फैलाने से क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा पे सनलाइट पड़ेगी, ज़्यादा पार्टिकल पे, और फिर ये लोग उड़ते जाएंगे, राइट। इन लोग एनर्जी गेन करके उड़ जाएंगे। तो द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट जैसा कुछ आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनको मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक पूरा चीज़ थोड़ी पहुंचानी पड़ी, सिर्फ ऊपर वाले पहुंचाने पड़े, और ज़रूरी भी नहीं है कि 100 तक पहुंचे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये उड़ जाएंगे ना, तो उससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एवेपोरेशन है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ये प्लेस ले सकता है, और ये एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़, तो फैक्टर इफेक्टिंग पहली चीज़ क्या होगी इवेपोरेशन में, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, ये हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं। अब क्या होगा, मैंने बोला सरफेस फिनोमेना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सरफेस में जैसे जैसे बढ़ाऊँगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा गर्मी रहेगी, आराम से हीट एनर्जी गेन कर पाएंगे। ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, विंड इंक्रीज।